हाय गाइस, दिस इज जियान एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी के साथ मैं लेके हाजिर हूँ अच्छी जॉब्स। तो गाइस, अगर आप नए सब्सक्राइबर तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को टच कर ले ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, ये जो जॉब होने वाली है बहुत ही अच्छी जॉब्स आने वाली है, परमानेंट जॉब आने वाली है और ऑफिशियल जॉब आने वाली है। एक्चुअली ये वीडियो जो मैं है आपको लोकल लैंग्वेज में देने वाला था, लेकिन अगर मैं कन्नड़ा में या फिर लोकल लैंग्वेज में इस वीडियो को बोलता या अप्रोच करता तो इसमें क्या होता है कि हिंदी वाले लोगों को जो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, फिर वो लोग जो कमेंट्स करते हैं कि सर जो है हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए ये वीडियो में जो है आपको लोकल लैंग्वेज में सॉरी हिंदी में जो है एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद ही कमेंट्स और कॉल कीजिएगा। गाइज, ऑफिशियल जॉब से है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, रिलायंस स्मार्ट्स में अच्छी जॉब से है, ऑफिशियल जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब से। हालांकि ये जॉब रिलेटेड टेंडर बेस्ड रहती है, जब तक जो है कंपनी का टेंडर रहता है तब तक जो है साल दो साल तीन साल जब तक जो है आपको वो जॉब्स प्रोवाइडिंग मिलती है, और जैसे ही टेंडर खत्म हो जाता तो कंपनी की तरफ से थोड़ा जो है आपको निकाल दिया जाता है। अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो स्टोर के थ्रू या फिर कंपनी के थ्रू डायरेक्ट भी जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज, इसमें जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑलरेडी बैंगलोर में रह रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था, इस वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जो बैंगलोर में रह रहा है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिटेड इसमें जो है एज लिमिट रहती है 18 से 25 लास्ट रहती है। एच एंड एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 18 से 25 लास्ट होता है। कोई अच्छी पोस्ट की जॉब्स होती है लाइक जो है मार्केटिंग का फील्ड का या फिर जो है लाइक मैनेजर का, उसमें जो है आपको 30-35-40 ईयर्स देखने को मिलता है, लेकिन इस जॉब्स में जो रहता है उतना ईयर्स नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसमें जो है 18 से 25 लास्ट एज लिमिट रहती है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। हिंदी वाले, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज कौन सी भी चलती है, लेकिन मिनिमम इसमें जो है 12th पास होना चाहिए। 12th पास है तभी इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब्स डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग नहीं होता है, ये जो है थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो हम लोगों के पास थर्ड पार्टी के थ्रू आया है। पेमेंट का कोई भी टेंशन नहीं रहता, क्योंकि पेमेंट जो आपका रहता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं होकर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू रहता है। रिलायंस की तरफ से जो आपको पेमेंट रहता है, थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग होता है सिर्फ और सिर्फ, और देख रेख जो है थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। इसमें क्या रहता है कि जो है आपको इनसाइड में स्टोर्स जो रहता है ना रिलायंस का, उसके अंदर में आपको सेल्समैन का काम रहता है। सेल्समैन बोले तो आपको आइटम लगाना है, आइटम जो है सेट करना है, कस्टमर आता है उसको आइटम देना है, और आपका एक टारगेट दिया जाता है कि मंथली जो है 3 लाख 4 लाख 2 लाख 50 हज़ार जो भी है आप एक टारगेट दिया जाता है एक्सपेक्टेड, उस टारगेट को अचीव करके सेल देना रहता है। ये जो रहता है एक टाइप का प्रमोशन सेल्स या जो भी समझ लीजिए इस टाइप का जॉब से ही है। तो गाइस, लोकेशन इसमें अभी जो प्रेजेंट टाइम में है सिर्फ और सिर्फ महादेवपुरा में खाली है, सिर्फ और सिर्फ महादेवपुरा में। रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स की क्वांटिटी इसमें 20-25 कैंडिडेट्स इसमें अभी जो है रिक्वायरमेंट है, और ये जॉब्स चलने वाली है सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए, ओनली वन वीक पर ही वन वीक घोषकर ये जॉब्स नहीं रहते हैं। यार अपने माड़ा इधर आग नंगे रेज्यूम पॉलिसी जो 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 कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट जो है अप्लाई करना चाहता है वो डायरेक्ट मुझे रेज्यूम भेज सकता है, रेज्यूम भेज के नीचे टाइप करके भेज सकता है, हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन रिलायंस स्मार्ट करके भेज सकता है। इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट की नीडेड पहले है, अगर आप एक्सपीरियंस है रिटेल फील्ड में या फिर FMCG प्रोडक्ट में आप कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको सबसे पहले लिया जाता है। अब इसमें जो है मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स की अलग अलग टाइमिंग रहती है। फीमेल कैंडिडेट्स की सुबह 9:30 से लगाकर या फिर 10:30 से लगाकर 6:30 या 7:30 समय जो है टाइमिंग रहता है। कहने का मतलब है कि 8 घंटा ड्यूटी रहता है। अगर आप 9:30 ज्वाइन होते हैं तो जो है 6:30 रहता है, और अगर आप 10:30 टाइमिंग रहता है तो 7:30 टाइमिंग रहता है आउट का, तो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। एक वीकली वीक ऑफ मिलती है प्लस ESI मिलता है। सैलरी आता है इसमें आप जो है 13,800 कट के, कहने का मतलब है CTC नहीं है, ये इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ, जो आपके अकाउंट पर आने वाली सैलरी है वो बता रहा हूँ। टोटल सैलरी अगर CTC मिला लिया जाए तो मेरे हिसाब से एक अंदाज से मान के चलो कि 15-16 लाख के अराउंड चली जाती है ये सैलरी, जो इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, जो आप काम करने के बाद जो सैलरी आती है 26 दिन काम करने के बाद ड्यूटी करने के बाद जो आपकी सैलरी आएगी वो आएगी 13,800 मेल फीमेल कैंडिडेट्स के दोनों के लिए सेम जो है सैलरी रहती है। टाइमिंग दोनों का अलग अलग रहता है, जैसा कि मैंने बोला कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटे कहने का मतलब है कि सुबह 9:30 से लगाकर 6:30 या फिर 10:30 से लगाकर 10:30।
मेल कैंडिडेट्स के लिए दोपहर के 1 बजे से लगाकर रात के 10 बजे तक। अभी बोले तो 1 बजे कहने का मतलब है, वैसे तो आप बोलेंगे कि 10 घंटा बजे था, 10 घंटा नहीं होता, वो 8 घंटा ही होता है। बोले तो सॉरी, कहने का मतलब है कि 1 बजे आप जाएंगे तो उसमें क्या रहता है कि लंच टाइम आपको दिया जाता है, ब्रेक टाइम आपको 1 आवर का दिया जाता है इसमें। तो सेम मेल कैंडिडेट्स की भी 8 घंटा की ही ड्यूटी रहती है। इसको भी जो है आपको वीकली वन ऑफ मिलती है, एक वीकली ऑफ मिलती है, 26 दिन ड्यूटी रहती है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड काम्स रहता है और थर्ड पार्टी के थ्रू है। जॉब्स जो रहती है ये परमानेंट जॉब है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, कंटिन्यू जम के काम करते हैं, कंटिन्यू कंपल्सिस में काम करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप डायरेक्ट भी हो सकते हैं, कंपनी आपको डायरेक्ट भी ज्वाइनिंग लेती है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसमें ज्वाइनिंग जो है आपको रिज्यूम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू होता है। पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, नेक्स्ट डे हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग हो जाता है। बाकायदा जो है प्रोफेशनल काम रहता है इसमें, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है कंपनी की तरफ से रूम और फूड की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोकल में ऑलरेडी रह रहा है कैंडिडेट्स, या फिर जिसके पास रूम है, या फिर जिसके पास अपना घर है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लैंग्वेज कंपल्सरी, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक कन्नड़ा, तीनों लैंग्वेज में से एक कंपल्सरी आना ही चाहिए। अगर इस बंदे को हिंदी आता है, कन्नड़ा नहीं आता, तो वो बंदा हिंदी के साथ इंग्लिश मैनेज कर सकता है। अगर उस कैंडिडेट्स को पूरा इंग्लिश ही आता है, तो उस कैंडिडेट्स को इंग्लिश के साथ कन्नड़ा मैनेज कर सकता है, या फिर कन्नड़ा ही आता है तो उसके साथ थोड़ा हिंदी आना चाहिए। कहने का मतलब है कि तीन लैंग्वेज इसमें से, तीनों में से एक कंपल्सरी कंपनी के द्वारा रहती है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए प्रेजेंट टाइम महादेवपुरा में चल रहा है। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है, जो जो बंदा करना चाहता है, वो बंदा हम लोगों को रिज्यूम भेज सकता है। नेक्स्ट वीक में जो है ओपनिंग होने वाली है, बीएसके बनशंकरी सेकंड स्टेज, बनशंकरी सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। कहने का मतलब जो बनशंकरी के नियर बाई एरिया में, वो बंदा उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो जॉब है महादेवपुरा, महादेवपुरा के नियर बाई लोकेशन में जो जो बंदा कैंडिडेट्स जो है करना चाहता है, वो बंदा अप्लाई कर सकता है। तो गाइस एक और अच्छी हेल्पफुल जॉब, सॉरी गाइस थोड़ा सा हल्का सा अर्जेंट है, कुछ कैंडिडेट्स आए हुए हैं, उसकी वजह से मैं थोड़ा एक फास्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है इस जॉब के बारे में, तो आप बकायदा कॉल कर सकते हैं हम लोगों को। कॉल करने के लिए नंबर आपको यही दिया जाएगा, इस नंबर पर आप कॉल करने के लिए टाइमिंग है 10:30 से लगाकर 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कॉल नहीं कर सकते। तो गाइस ध्यान रखें टाइमिंग का और उसके अकॉर्डिंग ही कॉल करें। तो फ्रेंड्स हम हाजिर रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लगे तब तक के लिए बाय बाय, टेक।